गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम गवर्नमेंट एफर्ट्स फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के तहत इंफ्रास्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स क्या क्या किए गए हैं सरकार के द्वारा आधारभूत ढांचे के विकास के लिए और एग्रीकल्चरल पॉलिसीज एंड स्कीम्स क्या क्या हैं सरकार की, उनके बारे में चर्चा करेंगे। कृषि विकास के लिए जो सरकारी प्रयास किए गए हैं उसके तहत एक और प्रकार की जो व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की गई हैं वो है आधारभूत ढांचे के विकास के संबंधित जो है व्यवस्थाएं। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेडिट और फाइनेंस की। तो क्रेडिट और फाइनेंस की जो फैसिलिटीज होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक तरह से उत्पादन प्रक्रिया में एक तरह से लुब्रिकेंट का काम करती है। और एक तरह से सर्टन रेस्पेक्ट्स में अगर हम देखें तो इट इज मोर ट्रू ऑफ एग्रीकल्चर। और एन एवरेज फार्मर जो होता है वो देखिए, इट ही इज अ पुअर मैन विद वेरी लिमिटेड मीन्स एट हिज डिस्पोजल और ही डज नॉट हैव मच सेविंग्स टू फॉल बैक अपॉन। देयरफॉर क्या है, फॉर एवरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नीड विच फॉल्स आउटसाइड हिज रूटीन लाइवलीहुड ही नीड्स क्रेडिट एंड फाइनेंस फैसिलिटीज। उसको वित्त की सुविधा निश्चित रूप से चाहिए और बहुत सारे तरह तरह के उद्देश्यों के कारण जो है किसानों को उधार या ऋण की आवश्यकता होती है। चाहे उसको कृषि क्षेत्र में उत्पादक कार्यों में लगाना है, चाहे उसको सामाजिक जो उसकी ऑब्लिगेशंस हैं, सोशल ऑब्लिगेशंस हैं, उनको पूरा करना है, या बीज खरीदने हैं, या कृषि औजार उपकरण खरीदने हैं, तो सभी के लिए किसान को क्रेडिट और फाइनेंस की, वित्त की आवश्यकता होती है। और ये जो क्रेडिट है उसको शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, मीडियम टर्म के लिए भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है। और बहुत सारे सोर्सेज हैं जो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। जहां तक सरकार का प्रश्न है, देखिए सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं किसानों को उचित रूप से जो है वित्त की सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए। एक तो है कोऑपरेटिव जो है फाइनेंस सोसाइटीज की स्थापना करके, जो सहकारी जो वित्त की जो सोसाइटीज हैं, एक तरह से सरकार ने एक सहकारी आंदोलन चला रखा है। और क्योंकि देखिए बहुत सारे कोऑपरेटिव बहुत सारे पर देखिए बहुत सारे जो हैं वित्त के क्षेत्र में जो है अनियमितताएं कृषि क्षेत्र में चल रही हैं, जो ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर हैं वो बहुत सारे उसमें ये जो ट्रेडिशनल जो मनी लेंडर्स होते हैं, उधार देने वाले होते हैं, दे इंडल्ज इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ चीटिंग एंड रॉन्ग डूइंग्स। तो इस कारण से जो है सरकार आगे आई है और उसने सहकारी जो वित्त की जो सुविधाएं हैं वो किसानों को उपलब्ध कराई है। दूसरा एक और काम जो किया गया है किसानों को वित्त की सुविधा प्रोवाइड करने के लिए वो है व्यापारिक बैंकों का या वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना। और एक बहुत बड़ा कारण जो नेशनलाइजेशन जो किया गया है, राष्ट्रीयकरण जो किया गया है व्यापारिक बैंकों का, उसके बारे में जो दिया गया है वो ये कि वो अपना जो ये जो प्राइवेट मैनेजमेंट वाले जो बैंक्स थे वो एक तरह से अपना बिजनेस रूरल एरियाज में नहीं विस्तृत कर रहे थे। तो प्राइवेट बैंक्स जो है दे कंसिडर्ड जो है बिजनेस इन रूरल एरियाज एज अनइकोनॉमिकल एंड वर शाय टू ओपन देयर ब्रांचेस इन रूरल एरियाज। तो नेशनलाइजेशन बैंक्स का जब से हुआ है तब से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का तेजी से विस्तार हुआ है। और बैंकों का ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से विस्तार के फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में जो उधार है, किसानों को जो वित्त सुविधा है वो उपलब्ध हो पाई है। एक और रूरल फाइनेंस को बूस्ट देने के लिए एक और जो स्टेप उठाया गया है सरकार के द्वारा वो है रीजनल रूरल बैंक्स यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करना। और 1975 से ये बैंक्स अपना इनके क्रियाकलाप जो है चल रहे हैं और ये तरह तरह की जो है वित्तीय सुविधाएं जो है ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये सारा है वित्त सुविधाओं के विस्तार से संबंधित। नेक्स्ट है मार्केटिंग की, जहां तक बात है तो एक मार्केटिंग सिस्टम भी या विपणन की जो व्यवस्था है कृषि क्षेत्र में वो भी एक तरह से सुदृढ़ होनी चाहिए और उसके लिए भी सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, जैसे नियमित बाजारों की स्थापना करना है, फिर कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज की स्थापना करना है, फिर गोडाउंस बनाना है, वेयरहाउसिंग फैसिलिटीज बढ़ाना है, फिर प्रॉपर ग्रेडेशन करना है,
कृषि गत जो उत्पाद है, क्रॉप्स का जो उत्पादन है उसका एग मार्क लगवाना है, उनका स्टैंडर्डाइजेशन करना है कृषि वस्तुओं का, मेट्रिक वेट्स का भी सरकार ने इंट्रोडक्शन किया था 1954 में, प्राइस स्टेबलाइजेशन बोर्ड की स्थापना की गई है, मार्केट इंफॉर्मेशन स्प्रेड की जाती है किसानों को रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, फिल्म दिखाने के माध्यम से, और चीप और फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है, परिवहन की सुलभ जो है सस्ती जो व्यवस्थाएं हैं वो सरकार ने की है। फिर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज बीन सेट अप टू हैज सेट अप इट्स परचेज सेंटर्स एट डिफरेंट विलेजेस। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, फिर एक और चीज जो सरकार ने की वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस का निर्धारण करना। तो इसके लिए देखिए एग्रीकल्चर कॉस्ट और प्राइस कमीशन बनाया गया है, और जब से ये कमीशन बना है तब से जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है कृषि उत्पादों के वो घोषित किए जाते हैं सरकार के द्वारा। तो ये सारी तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, इस तरह से इन सब व्यवस्थाओं को जो है सरकार करके और आधारभूत ढांचे को जो है कृषि क्षेत्र में वो सुदृढ़ करने का प्रयास कर रही है। एग्रीकल्चरल जो कृषि जो नीतियां हैं और जो स्कीम्स हैं सरकार की, सबसे पहला तो उसमें नाम आता है ग्रीन रेवोल्यूशन का, हरित क्रांति का। तो हरित क्रांति जो है इंट्रोडक्शन उसके अंतर्गत देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स किया गया 1965 के बाद से, और उसके साथ ही जो इंक्रीजिंग यूज ऑफ फर्टिलाइजर है, इरिगेशन फैसिलिटी है, इसको हम संयुक्त रूप से हरित क्रांति कहते हैं। और इसके फलस्वरूप देखिए कृषि क्षेत्र में बढ़ता हुआ उत्पादन जो है वो प्राप्त हुआ, और एक तरह से जो है इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स। तो ये जो टर्म है ग्रीन रिवॉल्यूशन, एक तरह से एक सक्सेसफुल एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंट हम इसको कह सकते हैं। और इसके तहत बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं इसके, हाई यील्डिंग वैरायटी है सीड्स की जो यूज किया गया है, इरिगेशन फैसिलिटीज का विस्तार किया गया है, केमिकल फर्टिलाइजर्स को बढ़ावा दिया गया है, मल्टीपल क्रॉपिंग प्रोग्राम जो है बहुफसली कार्यक्रम उसको लॉन्च किया गया है, फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चरल फाइनेंस दी गई हैं बहुत सारी, और एग्रीकल्चरल एजुकेशन और रिसर्च इसको भी बढ़ावा दिया गया है, फिर लैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है भूमि के संरक्षण के जो कार्यक्रम है वो भी इसमें चलाए गए हैं, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात है तो ग्रामीण जो विद्युतीकरण है उसका विस्तार किया गया है, बहुत सारे विपणन की सुविधाएं भी किसानों को दी गई हैं। और इसके फलस्वरूप हम देख सकते हैं कि सरकार के इतने सारे प्रयासों के फलस्वरूप हम देख सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में जो बढ़ता हुआ जो कृषिगत उत्पादन है वो है हो रहा है, रोजगार की सुविधाओं में विस्तार हो रहा है, इंडस्ट्रीज नई नई डेवलप हो रही हैं, एग्रो बेस्ड जिनको हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के फलस्वरूप जो बढ़ती हुई जो मांग है कृषिगत उपकरणों की, ट्रैक्टर्स की, थ्रेशर्स की, फर्टिलाइजर्स की, तो उसके कारण बहुत सारी जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं वो स्थापित की जा रही हैं। और इसके फलस्वरूप क्या हुआ है, गरीबी में कमी आई है भारत में, और एक तरह से देयर हैज बीन अ फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल टू। और इसके अलावा भी और सारी जो योजनाएं हैं, इसमें सेकंड है आपका पीएम किसान मानधन योजना, ये पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है एक तरह से पेंशन स्कीम फॉर फार्मर्स के रूप में इसको लॉन्च किया गया है सितंबर 2019 में, और ये एक तरह से ओल्ड एज पेंशन स्कीम है किसके लिए, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो देश में है उनके लिए। फिर है गोबर धन योजना, एक तरह से यूनियन मिनिस्टर फॉर ड्रिंकिंग एंड वाटर सैनिटेशन जो है उमा भारती ने लॉन्च की है गोबर धन स्कीम, तो 2018 में लॉन्च की, और एक तरह से इसका जो एम है इट इज टू पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट टू क्लैनलीनेस एंड जनरेट एनर्जी फ्रॉम सॉलिड वाटर। फिर तीसरी है कुसुम स्कीम, यूनियन मिनिस्टर गवर्नमेंट ने देखिए 1.4 लाख करोड़ की जो है ये कुसुम स्कीम जो है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान जो है ये स्कीम लॉन्च की है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग सोलर फार्मिंग, एक तरह से सोलर फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए ये चलाई गई है। फिर है एक तरह से कृषोन्नति योजना जो है वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव की है स्कीम,
और एक तरह से ये अम्ब्रेला स्कीम है जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन की भांति ही है, और एग्रीकल्चरल सेक्टर में 2017-18 से लेके 2019-20 के बीच में ये लॉन्च की गई है। और इसमें 11 स्कीम्स हैं, मिशंस हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए, और सरकार इसके माध्यम से देखिए मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट और हॉर्टिकल्चर है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है इसमें, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए मिशन है इसमें, फिर एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के लिए भी इसमें मिशन है, फिर देर इज बीन मिशन ऑन सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल है, फिर एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन के लिए भी इसमें प्रयास किया गया है, प्लांट प्रोटेक्शन के लिए भी प्रयास किया गया है, फिर एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन के लिए भी प्रयास किया गया है, मार्केटिंग की सुविधाएं भी बढ़ाई गई हैं, और ई गवर्नेंस का जो प्लान है सरकार का वो भी इसमें जो है ये कुल मिला के पूरा एक पैकेज है। फिर नेक्स्ट जो स्कीम है वो है संपदा स्कीम। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग जो है उसने ये लॉन्च की है स्कीम, एग्रो, इसको हम बोलते हैं एग्रो मैरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, संपदा के नाम से इसको हम जानते हैं। और ये बेसिकली देखिए फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण है, उसके लिए लागू की गई है, उसकी सुविधाओं का विस्तार करने के लिए 2017 में लागू की गई है। और ये जो स्कीम है एक तरह से फूड जो वेस्टेज है रिड्यूस करेगी और फार्मर्स की जो इनकम है वो डबल करेगी 2022 तक, ये इसका उद्देश्य है। और फिर एक और स्कीम जो है वो है रेवेन्यू इंश्योरेंस स्कीम फॉर प्लांटेशन क्रॉप्स, तो वो ये 2016 में लागू की गई, और इस इट वाज लॉन्च फॉर प्रोटेक्टिंग ग्रोअर्स ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स फ्रॉम ट्विन रिस्क ऑफ यील्ड लॉस ड्यू टू पेस्ट अटैक्स, एडवर्स वेदर, और एडवर्स वेदर जो खराब मौसम है उससे किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक तरह से ये लागू की गई है। और फिर है एग्री पोर्टल जो है वो स्थापित किया गया है, सेंटर ने लॉन्च किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 नई वेबसाइट्स लॉन्च की है फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए 2016 में। और इसका उद्देश्य जो है वो टू मेक ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्टिफिकेशन, फर्टिलाइजर क्वालिटी चेक्स लगाना और सॉइल हेल्थ कार्ड्स की जो व्यवस्था है उसको आसान बनाना। तो ये जो पोर्टल्स हैं दे आर डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC, और ये एग्जिस्टिंग स्कीम्स जो हैं उनका ही पार्ट है। फिर है नेशनल एग्रीकल्चरल जो है मार्केट योजना भी, NAM जिसको हम बोलते हैं, वो भी चलाया गया है, और इसका जो पर्पस है वो है क्रिएशन ऑफ कॉमन नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज थ्रू ई प्लेटफॉर्म नेटवर्क। और फिर एक और स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है मोदी जी ने लॉन्च किया है 2016 में, और इसका जो उद्देश्य है वो है टू डिक्रीज द बर्डन ऑफ प्रीमियम ऑन फार्मर्स हु टेक लोन्स फॉर देयर कल्टीवेशन एंड ऑल्सो सेफ गार्ड देम अगेंस्ट एडवर्स वेदर। तो किसानों ने जो ऋण वगैरह जो लेते हैं उसके जो प्रीमियम है उनको कम करवाने के लिए ये जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है चलाई गई है। और एक और जो स्कीम है वो है नीरांचल वाटरशेड योजना, तो इसका ये जो है दैट प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, 2016 से लेके 21 के बीच में है ये योजना। और इससे क्या होगा, इससे देखिए इट विल स्ट्रेंथन एंड प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस टू द जो वाटरशेड कंपोनेंट है प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना का, उसमें एक तरह से ये एक एडेड जो है सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। और जैसे हाइड्रोलॉजी और वाटर मैनेजमेंट है PM जो आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम्स को सुधारना है, कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, मॉनिटरिंग इवेल्युएशन करना है प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना का, उसमें ये मदद करेगी। फिर सरकारी प्रयासों के तहत किसानों के लिए मोबाइल एप्स जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं, और 2015 में ये लॉन्च किए गए। एक तो है क्रॉप इंश्योरेंस से संबंधित ऐप, और इसका जो उद्देश्य है वो है इट हेल्प्स फार्मर्स टू फाइंड आउट द कंप्लीट डिटेल्स अबाउट द इंश्योरेंस कवर अवेलेबल इन देयर एरिया। तो क्या क्या इंश्योरेंस का जो कवर है वो अवेलेबल है उनके एरिया में, और इंश्योरेंस प्रीमियम कितनी देनी होगी उनको, तो एक तरह से जो सिक्योरिटी है क्रॉप इंश्योरेंस की वो इससे इंश्योर की जा सकती है, और किसान लोग जो है इस ऐप का यूज कर सकते हैं। फिर है दूसरा ऐप है एग्री मार्केट मोबाइल ऐप, और इसका ये जो ऐप है
इसका जो उद्देश्य है वो है किसानों को जो भी क्रॉप प्राइजेस हैं, फसलों की जो कीमतें हैं उनके आसपास, उससे किसानों को जानकारी देते रहना। और एक तरह से किसानों को जो है इस ऐप के माध्यम से किसान जो है वो आसपास के 50 किलोमीटर के जो क्षेत्र है उसमें उन क्या क्या कीमतें हैं अलग अलग फसलों की, उसकी वो जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। फिर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PMKSY इसको हम कहते हैं, और ये 2015 में लॉन्च की गई थी। और इसका जो उद्देश्य है वो है किसानों को एक तरह से टू प्रोवाइड कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन, सिंचाई के लिए निवेश के लिए जो सुविधा किसानों को उपलब्ध कराना, ताकि वो जो लैंड अंडर कल्टीवेशन कृषि के अंतर्गत क्षेत्रफल को वो बढ़ा सके और ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो इरिगेशन सिस्टम को सुदृढ़ बनाने के लिए कर सके। नेक्स्ट स्कीम है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, ये भी 2015 में लॉन्च की गई। और एक तरह से इसके तहत गवर्नमेंट का जो प्लान है वो है इशू सॉइल कार्ड टू द फार्मर्स, जो किसानों को सॉइल कार्ड जो है वो इशू करना। और जिससे क्या होगा, देखिए, जिससे कि ये दे विल बी एबल टू गेट अ गुड हार्वेस्ट बाय स्टडिंग द क्वालिटी ऑफ सॉइल। किसान लोग जो है वो मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसके बारे में उनको जानकारी मिलेगी और उसके अनुरूप वो जो है अच्छी फसल ले सकेंगे। फिर है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये 2007-08 में लॉन्च की गई थी। और इसका जो ये एक तरह का देखिए इंसेंटिव है राज्यों के लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का, और एक तरह से 9% जो रेट ऑफ ग्रोथ है एग्रीकल्चर सेक्टर में और एलिड सेक्टर्स में उसको प्राप्त करने का। फिर नेक्स्ट जो है सरकार की योजना वो है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, ये जो प्लान है वो फोकस्ड है डिटेल्ड स्ट्रेटेजी रोड मैप और गाइडलाइंस जो है एक तरह से वो एट द सेंट्रल एंड द स्टेट लेवल ये इसमें इंश्योर की गई है। और जो सर्विसेज ऑफर्ड हैं एग्रीकल्चरल में वो है इंफॉर्मेशन ऑन पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर सीड्स किसानों को प्रोवाइड करने की जो है फैसिलिटी है, इसमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। फिर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन सॉइल हेल्थ, फिर इंफॉर्मेशन ऑन फोरकास्टेड वेदर, मौसम के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है ई गवर्नेंस प्लान के तहत। फिर है इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेशन फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, फिर है इंफॉर्मेशन ऑन फिशरी इनपुट्स, फिर है ड्रॉट रिलीफ अकाल से राहत, और फिर है लाइव स्टॉक मैनेजमेंट। तो ये पूरा पैकेज है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का। फिर है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, केसीसी स्कीम जो है ये एक तरह से जो ये स्टार्ट की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई और नाबार्ड के द्वारा 1998 में। और इसका जो उद्देश्य है वो है टू हेल्प फार्मर्स एक्सेस टू टाइमली एंड एडिक्वेट क्रेडिट, तो किसानों को उचित वित्त सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये स्कीम लागू की गई है। और फिर है लेड बैंक स्कीम, लेड बैंक स्कीम भी देखिए एरिया ये बेस्ड है एरिया अप्रोच पे, और 1969 में ये लॉन्च की गई। और इसके तहत जो है जो सारे के सारे जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं और प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं, दे वर अलॉटेड स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स एंड वर आस्क्ड टू प्ले द लीड रोल इन कोऑर्डिनेटिंग क्रेडिट डिप्लॉयमेंट। तो क्रेडिट की जो सुविधा है कृषि क्षेत्र में उसको बढ़ावा देने के लिए लेड बैंक स्कीम लागू की गई थी। और लास्टली है ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी धीरे धीरे बढ़ावा दिया जा रहा है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो इट इज अ मेथड ऑफ क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स मच मोर देन चूजिंग नॉट टू यूज पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स एंटीबायोटिक्स एंड ग्रोथ हार्मोन्स। तो इनको न यूज करके एक तरह से जो नेचुरल तरीके हैं फार्मिंग के उनको बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। थैंक यू।